आज मैं बना रही हूँ पीले मटर के नए स्वाद और नए अंदाज में एक सब्जी, जरूर ट्राई करिए। इसके लिए मैंने मटर को ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। इसके लिए सबसे पहले मैंने कद्दू को छीलकर बड़े बड़े पीसेस में काट लिया और फिर कुकर में मटर को, कद्दू को और साथ ही टमाटर के पीसेस को डालकर पानी डालकर प्रेशर कुक होने के लिए रख दिया। अब सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए एक फ्राई पैन को गर्म करके उसमें लौंग, काली मिर्च, सौंफ, कोकोनट के टुकड़े, जिंजर, खड़ी लाल मिर्च और मेथी दाना को डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे और फिर इनको हम मिक्सी के जार में डालकर कोर्सली पीस लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और उसमें राई, जीरा और हींग डाल देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, कढ़ी पत्ता और जो ग्राइंडेड मसाला था उसको, और इन सबको अच्छे से भूनते हुए इसमें फिर हम थोड़ा सा दही डालेंगे और उसके साथ मसाले को भूनेंगे। 5 व्हिसल आने के बाद हम देखते हैं कि मटर अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इसमें हमने जो टमाटर डाले थे उनको हम ग्राइंडर में डालेंगे और उनको ग्राइंड कर लेंगे और इस ग्राइंडेड टमाटर को हम मसाले के संग अच्छे से भून लेंगे। मसाला भूनते हुए ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथ से मसल कर, और इन सबको भी अच्छे से पानी डालकर भून लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने उबले हुए मटर। आप सोच रहे होंगे हमने मटर में कद्दू क्यों डाला। भाई कद्दू इसमें एक थोड़ा सा मिठास देगा और साथ ही ग्रेवी को गाढ़ापन भी और एक नया टेस्ट भी देगा। और फिर हमने इसमें डाल दिया नमक और इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ दिया। तैयार हो गई हमारी एक नई तरह की सब्ज़ी, जो भी बिना लहसुन प्याज के। कैसी लगी आपको, जरूर